घर पर सभी लोग बहुत घबरा गए हैं देवा। मैंने तो बाबूजी को यह केस लेने से रोका भी था। अरे यहाँ ऐसे कितने प्लॉट्स हैं जिन पर लाल सिंह का कब्जा है। लाल सिंह तो क्या, इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा भी उनकी तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता। देवा मैं तुझे लेकर भी काफी डरा रहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 1997 में को एक मूवी रिलीज हुई थी जो आपने देखी होगी, जिद्दी। और जिद्दी मूवी में आपने ये सीन देखे होंगे जो मैं आपको स्क्रीन पर एक बार चला के दिखा देता हूँ। घर पर सभी लोग बहुत घबरा गए हैं देवा। अरे यहाँ ऐसे कितने प्लॉट्स हैं जिन पर लाल सिंह का कब्जा है। दोस्तों जैसे कि आपने यह वीडियो देखा होगा, अभी मैंने आपको स्क्रीन पर प्ले करके दिखाया था, वो सीन है जो यहाँ पर ताज होटल के आसपास शूट किए गए थे, आप देख सकते हो। दोस्तों ये वही जगह है जिस जगह को जिद्दी मूवी में दिखाया गया था। और इधर आप देख सकते हो जिद्दी मूवी में हमें ये गेट का भी व्यू देखने को मिलता है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो। इसका भी कुछ सीन हमें जिद्दी मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों आप ये दीवार देख पा रहे होंगे, इसी दीवार के पास में आकाश और देवा दोनों बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं, वो सीन है जो यहाँ पर ही शूट किए गए थे, आप देख सकते हो। और ये इधर आप देख सकते हो, ये है समुद्र का नज़ारा जो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इधर आप देख सकते हो ये है ताज होटल, और मूवी के कुछ सीनों में हमें ताज होटल का भी व्यू देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों मूवी के सीन दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ का एक बार बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। इस गेट को आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा होगा और आज भी आप देख सकते हो जिद्दी मूवी में हमें ये गेट का नज़ारा देखने को मिला था। आज भी सेम टू सेम वही कलर इस गेट का है और सेम टू सेम आज भी हमें वैसे के वैसे देखने को मिलता है, आप देख पा रहे हो। और इधर का नज़ारा आप देख सकते हो, इधर है समुंदर और इधर आप देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही ताज होटल है और ताज होटल का नज़ारा हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा। और दोस्तों आपने जिद्दी मूवी तो देखी होगी, जिद्दी मूवी में आपने वो सीन देखे होंगे जहाँ पर देवा और आकाश दोनों एक जगह पर बैठे रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, तो बैकग्राउंड में हमें समुंदर का भी नज़ारा देखने को मिलता है और साथ में हमें ये आप गेट देख पा रहे हो इसका भी व्यू हमें देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो ये ताज होटल का भी व्यू हमें देखने को मिलता है जिद्दी मूवी में, और देवा और आकाश उस जगह पर बैठे रहते हैं और दोनों बातचीत करते रहते हैं। अभी मैं थोड़ा आगे चलकर आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाता हूँ, देखते हैं मूवी के कौन कौन से सीन यहाँ से लिए गए थे। दोस्तों आप देख पा रहे हो मूवी का एक सीन है जो इस एंगल से शूट किया गया था, इस जगह पर आकाश और देवा दोनों बैठे रहते हैं और बैकग्राउंड में हमें ये समुद्र का नज़ारा देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। और ये दीवार देख पा रहे होंगे, इसी के पास में आकाश और देवा दोनों बैठकर बातचीत करते रहते हैं, तो आप ये दीवार का भी सीन आप देख सकते हो, इसका भी हमें नज़ारा देखने को मिलता है। दोनों यहाँ पर बैठे रहते हैं और यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी रहती है और गाड़ी के पास में एक बॉडीगार्ड खड़ा रहता है। दोस्तों मूवी का वो सीन है जो इसी एंगल से शूट किया गया था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मूवी का अगला सीन, देखते हैं मूवी का अगला सीन कहाँ से और किस एंगल से लिया गया था। दोस्तों आप देख पा रहे हो मूवी का एक सीन इस एंगल से लिया गया था, इस जगह पर इस दीवार के पास में आकाश और देवा दोनों बैठे रहते हैं और आप देख पा रहे हो वहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी के पास में सनी देओल के बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं और बैकग्राउंड में हमें आप देख पा रहे होंगे ये ताज होटल का नज़ारा देखने को मिलता है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ जिससे प्रॉपरली आप ये सीन मैच कर सकते हैं। मूवी का वो सीन है जो इसी एंगल से लिया गया था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मूवी का अगला सीन। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मूवी का एक सीन है जो इस एंगल से लिया गया था, आप देख पा रहे हो इस जगह पर आकाश और सनी देओल दोनों यहाँ बैठे रहते हैं, तब दोनों खड़े होकर जाते रहते हैं तो हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। ये दीवार आप देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ जिससे प्रॉपर आप ये दीवार को मैच कर सकते हैं। दोस्तों ये वही दीवार है जो हमें जिद्दी मूवी में देखने को मिली थी, आप देख सकते हो। और इधर आप देख सकते हो ये है पूरा समंदर एरिया, इधर आप देख सकते हो और इधर है ताज होटल। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं मूवी के अगले सीन पर और आपको दिखाते हैं मूवी का अगला सीन। दोस्तों मूवी का एक सीन है जो इस एंगल से शूट किया गया था, आप देख सकते हो इस जगह पर सनी देओल और आकाश दोनों बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बैकग्राउंड में हमें गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा देखने को मिलता है बैकग्राउंड में, आप देख सकते हो। मूवी का वो सीन है जो इसी एंगल से शूट किया गया था, ये है गेटवे ऑफ इंडिया जिसको आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा होगा, ये आप देख सकते हो पूरा नज़ारा। और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जस्ट आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और इधर आप एक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, इस बिल्डिंग को भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाया गया है।
दोस्तों आप देख सकते हो ताज होटल का भी नज़ारा हमें बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखने को मिलता है। और अभी हम आपको दिखाते हैं जिद्दी मूवी का अगला सीन। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मूवी के एक सीन में हमें गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा व्यू देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से एक एंगल को लिया जाता है मूवी में, जिसमें हमें ये गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा व्यू देखने को मिलता है। आप देख सकते हो दोस्तों जिद्दी मूवी के जो भी सीन यहाँ पर शूट किए गए थे वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से सारे सीन दिखा दिए हैं। और आपको जानकर के लिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पर जिद्दी मूवी के सीन फिल्माए गए थे वो जगह है मुंबई में, और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही जिद्दी मूवी के सीन फिल्माए गए थे। और इधर आप देख सकते हो इधर है ताज होटल, और ताज होटल के सामने भी कुछ सीन फिल्माए गए थे, वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से सारे सीन दिखा दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।